नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्रेयांश क्लासेस लर्न एंड सक्सेस में। मैं हूं आपका मित्र, आपका साथी सुमंत कुमार। और आज मैं राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद के बचे हुए अनुच्छेद करवाने आया हूं। मेरे जो राष्ट्रपति के अनुच्छेद हैं, प्रमुख अनुच्छेद हैं, उनसे संबंधित अनुच्छेद जो हैं मैंने पिछली वीडियो में करा रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। और आज हम जो बचा हुआ है आगे का भाग, जो राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रमुख अनुच्छेद है ना, कि किस किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति का जो कार्यों का वर्णन है ना किया गया है, हम इन तमाम अनुच्छेद के तहत देखेंगे, जो कि सभी परीक्षा महत्वपूर्ण है। मैंने उस वीडियो में बहुत बात बता दी, बस आप इसमें देखिए और जो बचे हुए शेष कार्य उसको पूरा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो अनुच्छेद 108 है, क्या है? आर्टिकल 108 क्या कहता है? कि 108 के तहत राष्ट्रपति को है ना, क्या है, दोनों सदन क्या है ना, कि लोकसभा और राज्यसभा को तो संयुक्त क्या है, एक साथ बुलाने की, यानी कि उनके संयुक्त अधिवेशन जो बुलाने की शक्ति है ना, वह राष्ट्रपति के पास है। यानी कि अभी ये बात हुआ क्या है, क्यों बुलाया जाता है? तो कभी कभी कुछ बातों पे ऐसी स्थिति आती है जैसे साधारण बहुमत वगैरह पे है ना, जब संसद में जब सहमति नहीं बनती है तो राष्ट्रपति को ऐसा लगता है ना, ये राष्ट्रपति के पास ऐसी जो बातें होती है प्रस्ताव वाली, राष्ट्रपति अपना काम जो होता है कोई भी अपने हिसाब से नहीं करता है, सब उसे अपने मंत्रिपरिषद के जो है वह सलाह से ही करता है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो राष्ट्रपति के पास ये शक्तियाँ हैं कि अनुच्छेद 108 के तहत वह संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है ना, कि दोनों राज्यसभा और लोकसभा एक साथ मिलकर काम करते हैं ना, उनको उसी पर वोटिंग होती है, उसके बाद जो कि कानून होता है। लेकिन आप समझना कि संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, तो यही होता है कि राष्ट्रपति क्या करता है, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। लेकिन इसके साथ एक और भी महत्वपूर्ण बात बता दूँ आपको कि बस ये बुला सकता है, लेकिन आपसे पूछता है सवाल बहुत एग्जाम में कि उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो हमें याद रखिएगा लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, क्या होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह करता है। बात करें अनुच्छेद 87 में जो ये संबोधन जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अनुच्छेद 87 में का जो लिखा हुआ बातें हैं कि अगर प्रत्येक जो 5 साल के बाद जो चुनाव होती है या फिर जब भी, जैसे बीच में ही चुनाव हुई, जब भी चुनाव, इतना समझना है कि चुनाव होने के बाद जो सत्र का है ना, संसद सत्र का जो पहला जो संबोधन होता है वो राष्ट्रपति ही करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 87 के तहत। अनुच्छेद 80 में उनकी जो मनोनीत करने की शक्ति है, यानी कि आपको बात याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमने उसमें बातें बताई कि जो राष्ट्रपति क्या करता है, 12 राज्यसभा में 12 वैसे सदस्यों का चयन करता है जो विज्ञान, साहित्य, कला, संगीत है, इन जो क्षेत्रों से आते हैं, और इन क्षेत्रों में से उन्हें उन 12 व्यक्तियों को चुनाव करने की शक्तियां होती है। ठीक है, तो वह जो मनोनीत करने की शक्तियां हैं राज्यसभा में, इसमें राज्यसभा में वह अनुच्छेद 80 के तहत ही है, और लोकसभा में भी करता था, लेकिन इस बार अनुच्छेद यानी कि 104वें जो संविधान संशोधन विधेयक लाकर क्या कर दिया गया है कि लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन की जो चुनने की प्रक्रिया थी उस पद को हटा दिया गया है, इसलिए उस पद को नहीं, हमने बातें बताई है, बस आप याद रखिएगा कि मनोनीत करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 80 में है। और अनुच्छेद 3 में पीछे छूटा हुआ था, बात महत्वपूर्ण ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो नए राज्यों के जो निर्माण की जो विधेयक तैयार होती है, क्या होती है, नए राज्यों के संबंधित जो विधेयक जो तैयार होती है ना, उसके जो है राष्ट्रपति के सलाह पे, राष्ट्रपति के पास पेश करने के बाद ही उसे संसद में चर्चा के लिए ले जाया जाता है। तो अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का। ठीक है, अनुच्छेद 117 में जो धन विधेयक है, क्या है, धन जो विधेयक है ना, धन से संबंधित, यानी कि जो विधेयक है वह राष्ट्रपति के, क्या है, राष्ट्रपति के आदेश पे ही है ना, राष्ट्रपति के पहले पास समक्ष पेश करने के पास ही उसे धन विधेयक पे जो चर्चा होती है, याद रखिएगा धन विधेयक की चर्चा सिर्फ लोकसभा में है ना होती है, क्या है, इसको सिर्फ लोकसभा ही कर सकता है, धन विधेयक पे कोई शक्तियां जो है राज्यसभा को नहीं दी, चर्चा जाती है वहां पे भी प्रस्ताव के लिए, लेकिन वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो शक्तियां जो है लोकसभा को ही धन विधेयक से है। उसके बाद 112 में जो वित्त विधेयक है, क्या है, वित्त विधेयक है, इसी के तहत याद रखिएगा कि हमारे यहाँ जो बजट जो हर साल पेश की जाती है, क्या है, बजट जो पेश की जाती है 1 फरवरी की जा रही है, तो इनके जो इसी को वित्त विधेयक, इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, कि अनुच्छेद 112 के तहत ही ना जो संसद
के जो मर्यपीठ जो सदस्य है वित्त मंत्री है यानी कि राष्ट्रपति के आज्ञा के बाद ही मतलब अनुमति लेने के बाद ही उसको संसद में पेश किया जाता है, राष्ट्रपति पहले उसको देखता है, ठीक है। अनुच्छेद 280 के तहत जो वित्त आयोग है, इसमें वित्त आयोग कहने का मतलब जो है यानी कि इसके तहत ही मतलब जो राज्यों के बीच जो कर वित्तों का जो बंटवारा होता है यानी कि धन का जो बंटवारा होता है कि कहते हैं इसी के लिए जो वित्त आयोग की गठन की जाती है, इसका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। अनुच्छेद 143 में है ना सलाह की बात कही है, तो किससे सलाह की बात की गई है, तो आप याद रखना होगा कि अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पे उसे लगता है कि उसे सर्वोच्च न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश है उसे सलाह लेना चाहिए, तो सलाह लेने की जो शक्ति है अनुच्छेद 143 के तहत है। हाँ वह बाध्यकारी नहीं है कि राष्ट्रपति जो है वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात को स्वीकारे या न स्वीकारे, उसकी मर्जी पे है, लेकिन वह 143 के तहत सलाह ले सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 53 में एक जो बातें हैं वह जिसके तहत जो घोषित करता है अनुच्छेद 53 की जो देश की जो तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च होता है, जो हमने बातें बताई थी राष्ट्रपति होता है, तो अनुच्छेद किसके तहत, अनुच्छेद 53 के तहत यह घोषणा होती है कि तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वह राष्ट्रपति ही होता है। और अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति के पास जो है वीटो पावर है ना, यानी किसी भी चीज पे रोक लगाने की, जो जिसके अंतर्गत तीन वीटो पावर है। एक है जिसको है ना बोलते हैं आपातिक वीटो, यानी कहने का मतलब है किसके अंतर्गत जो है यानी कि आत्यंतिक वीटो, इस पे जो क्या है कि सरकार सॉरी राष्ट्रपति जो है अपनी जो बातें हैं वह किसी भी जो कानून है किसी भी मतलब विधेयक उस पे रोक लगा सकती है खंडित कर सकती है, उसको खत्म कर सकती है। उसके बाद दूसरा जो है एक है निलंबन कार्य वीटो, यानी निलंबन कार्य वीटो में क्या होता है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि राष्ट्रपति उस को मतलब कि फिर से पुनर्विचार याचिका के लिए, जैसे पुनर्विचार याचिका के लिए क्या कर सकता है, उसको भेज सकता है चाहे जिस सदन में लोकसभा राज्यसभा में कि इस पर कुछ विचार करना चाहिए, उसमें कुछ सुधार करना चाहिए, इसको निलंबनकारी वीटो कहते हैं। और एक है पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो में क्या करता है राष्ट्रपति, मतलब को ऐसा कहा जाता है कि उस वीटो पे है ना पॉकेट में है ना उतनी बड़ी कानून पॉकेट में रखने की बात नहीं है, तो पॉकेट वीटो का मतलब यह है कि पॉकेट वीटो में जब राष्ट्रपति न उस पर सलाह देता है न कुछ कहता है, बस कागजों पर वह मतलब कि बहुत दिन तक रख के समझो भूल जाता है ना, उस पर किस तरह का राय नहीं देता है, तो उस वीटो और अपने आप क्या होता खत्म हो जाती है ना कानून, तो इसी को पॉकेट वीटो कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है माना जाए ना कहा गया इसी बात की उसको पॉकेट वीटो कहा जाता है कि ज्ञानी जयंत सिंह जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने उस जो कानून की जो कॉपी थी उसको बस पैकेट में रखकर भूल गए थे, इसीलिए इसे पॉकेट वीटो नाम बाद में दिया गया, ठीक है। तो इसके अनुसार जो वीटो पावर है, बात करें राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां की जो आप किसके तहत जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है तीन है ना, कि तीन जो अनुच्छेद है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं सवाल। तो अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को जब यह महसूस होता है, याद रखिए जब भी हम महसूस कहें है ना, जब भी हम महसूस होता है तो महसूस उसको कभी अपने से नहीं होता है, इस बात याद रखिएगा, जब भी महसूस होने की बात है कि राष्ट्रपति को महसूस हो रहा है तो याद नहीं उसको खुद से महसूस हो रहा है, उसको महसूस कराया जाता है, क्या है उसको महसूस कराया जाता है, जब भी उसे महसूस होता है किसके तहत, मंत्री परिषद के तहत ना, मंत्री परिषद मंत्रिमंडल के तहत जो उसे है ना मंत्री परिषद के तहत उसे क्या होता है जब महसूस कराई जाती है, मतलब महसूस होती है कि राष्ट्र में जो है शांति नहीं है, है ना कि आंतरिक शासन जो है जो विद्रोह है यानी उसी को राष्ट्र उसी के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल जिसमें आपको बताओगे इंदिरा गांधी ने पहली बार 1975 में एमरजेंसी लगाई थी, तो इसी आर्टिकल के तहत इसको राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। और अनुच्छेद 356 के तहत जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन है ना, ये बात सुनते होंगे हमेशा चर्चा में रहते हैं कि राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन है वह लगाई जाती है, यानी कि उसमें भी राष्ट्रपति को महसूस होती है, बस वही मतलब महसूस कराई जाती है कि राष्ट्र जो राज्य में जो है शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति क्या करता है वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और अनुच्छेद 360 में जो वित्तीय आपातकाल है, जो वित्त में अगर देश के अगर वित्तीय स्थिति खराब होने पर ऐसी महसूस जो होती है तो वित्तीय आपातकाल लगा सकता है ना, तो याद रखिएगा भारत में अभी भी ऐसी स्थिति कभी नहीं आई है ना, हम सौभाग्यशाली हैं कि वित्तीय आपातकाल हमारे यहाँ नहीं लगा है ना, बाकी ये राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल एक बार लग चुका है, और राष्ट्रपति शासन तो लगता ही रहता है लगभग है ना, सबसे पहले पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा था, इस बात का याद रखिएगा, ठीक है। और अधिकतम तो कम से कम 6 महीने की लगता है और अधिकतम 3 साल की लगता है, ये बातें बता दी आपको। अनुच्छेद जो है अब बात कर लेते हैं, एक जो हमने बात नहीं बताई हुई 123-23 याद रखिएगा, यानी कि आर्टिकल जो है 123 के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को क्या होता है अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस
क्या है, ऑर्डिनेंस जो है जारी करने की शक्ति होती है अनुच्छेद 123 के तहत। यानी कहने का मतलब अनुच्छेद अध्यादेश है क्या, यानी कि जब देश के अंतर्गत मतलब कि जो सदन देखते हैं, संसद का 3 सत्र होता है ना, सत्र बजट सत्र ना, मानसून सत्र और जो शीत सत्र होता है, तो 3 सत्रों में से कोई सत्र नहीं चल रहा हो, लेकिन ऐसी स्थिति आती है कि देश पे कोई महत्वपूर्ण जो कानून बनानी हो, महत्वपूर्ण विषय पे जो कानून बनानी हो, उस कानून को बनाने के लिए है ना, उस समय क्योंकि संसद बत है कि पेश की जाती है, तो उसे उस समय क्या करती है, राष्ट्रपति उसको जारी कर देती है ना, और उसके बाद जब सत्र चालू होता है तो उसमें इसे क्या होता है, पास कराना पड़ता है। लेकिन याद रखिएगा इसकी वैधता कितनी होती है, 6 सप्ताह की होती है। बहुत ही अच्छी सी बातें बताई जा रही है, सारी की सारी जो टॉपिक है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखिएगा है ना। तो अनुच्छेद 123 के तहत ठीक है, और आगे याद रखिए अनुच्छेद 74 के तहत, यानी कि जो अपनी शक्तियों का प्रयोग है, यही जो बात बताए थे है ना, सबसे बड़ी बात है ना, क्योंकि हमें बोले कि राष्ट्रपति जो होता है हमारे राष्ट्र का सिर्फ नॉमिनल हीरो होता है, क्या होता है, राम नाम मात्र का प्रधान होता है। तो जितनी भी कार्य करता है राष्ट्रपति, जितनी भी कार्य करता है वह अनुच्छेद 74 के तहत, क्या है, अनुच्छेद 74 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग जो है किसकी सहायता से करता है, मंत्रिपरिषद के सहयोग से करता है। किसकी सहयोग से करता है, मंत्रिपरिषद के सहयोग से करता है ठीक है। और अनुच्छेद 75 में क्या बातें हैं कि अनुच्छेद 75 में यानी कि राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है, क्या है, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है ना, वह अनुच्छेद 75 के तहत करता है। और उसी के बाद जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के बाद यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पे, क्या है, प्रधानमंत्री जब अपने मंत्रियों को रखना चाहता है यानी कि किस किस मंत्री को उसके योग्य है, तो उस मंत्रियों की जो लिस्ट है राष्ट्रपति को सौंपता है, और फिर उन मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण जो अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति ही करवाते हैं, क्या है, राष्ट्रपति ही करवाते हैं। और अनुच्छेद जो है ना, यानी कि 77 याद रखिएगा, यानी कि सभी कार्य क्या होते हैं, सभी कार्य है ना, अनुच्छेद 77 भूला हुआ है, लिखा गलती से छूट गया था। तो अनुच्छेद 77 के तहत हमने अभी बताया आपको कि राष्ट्रपति के नाम पे सिर्फ कार्य होता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो हमारे देश के सर्वोच्च पद होते हैं, तो सारे के सारे काम होता है, क्या होता है ना, कैसे हमारे यहाँ जब हमारे जो पिताजी चाहे दादाजी बुजुर्ग हो जाते हैं हम, तो भले उनके पास सब कुछ रहता है ना, लेकिन क्या होते हैं, सब कुछ काम उनके बाल बच्चे करते हैं, बस उनका सिग्नेचर होता है और वो जाकर सारे काम करवाते हैं। तो वैसे ही जो होती है यहाँ पे है कि हमारे देश के अंदर, तो देश के अंदर सभी जो कार्य होते हैं राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं, क्या है, राष्ट्रपति के नाम पे ही होते हैं वो सभी कार्य अनुच्छेद 77। तो ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो थे राष्ट्रपति से संबंधित थे, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। जो आप जो तथ्य को नहीं समझ पाते हैं, रटना और समझने बहुत अंतर होता है, जो इसको मैंने समझाने का प्रयास किया है ठीक है, वो भी समझे और अच्छे से अपने एग्जाम्स को क्लियर करें। तब तक